तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन में डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे आप कैसे कोई भी वेबसाइट को डार्क मोड में सर्व कर सकते हो। मैं आपको ऐसे तरीके नहीं बताने वाला हूँ जिससे कि आपके वेबसाइट के जो वेब कंटेंट्स होते हैं, कोई भी बटन हो गया या फिर इमेजेस भी हो गए, तो ये सब इन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है आपके लिए, आप इसे बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम इसे विंडोज पे करने वाले हैं, फिर मैं आपको एंड्रॉइड पे भी दिखा दूंगा। आप इन दोनों में से कोई भी पार्ट को स्किप मत कीजिए, ये कभी ना कभी आपके काम आने वाला है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्रोम को ओपन करना है। अगर आप क्रोम की जगह न्यू क्रोमियम बेस्ड एज को भी यूज करते हैं अपने सिस्टम पे तो उसे भी ओपन कर सकते हैं, बट आपका वेब ब्राउजर क्रोमियम बेस्ड होना चाहिए, जैसे कि ब्रेव हो गया, क्रोम हो गया, फिर क्रोमियम बेस्ड एज भी हो गया। इवन अगर आपका फायरफॉक्स वगैरह भी है उसके लिए भी प्लगइन्स अवेलेबल है। तो भी मैं यहाँ पे सिंपली कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च कर दिया ट्रांजिट पिक्सेल्स का और ये हमारा सेकंड चैनल सर्च रिजल्ट में आ गया। बाय द वे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिखे बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो जनरली जब लोग वेबसाइट्स को डार्क मोड में विजिट करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से कोई भी प्लगइन को यूज करते हैं, बट मैं आपको विदाउट प्लगइन मेथड भी बताने वाला हूं। तो डार्क रीडर नाम से एक प्लगइन आपको मिल जाता है क्रोम के वेब स्टोर में, जिसे कि आप इस पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेरियस कस्टमाइजेशन टाइप्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए भी विदाउट एक्सटेंशन वाली मेथड चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली अपने एड्रेस बार पे जहाँ पे आप वेबसाइट वगैरह लिखते हैं सर्च करते हैं वहाँ पे आपको लिखना है CHROME यानी कि क्रोम, एक कलन देना है, देन दो फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद फ्लैक्स लिख के एंटर कर देना है। दिन यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल फीचर्स शो करेंगे। वहाँ पे आपको ऊपर दिखे सर्च फ्लैक्स का जो सर्च बार है वहाँ पे आपको क्लिक करके डार्क सर्च कर देना है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का सर्च रिजल्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा फोर्स डार्क मोड फॉर वेब कंटेंट्स। तो यहाँ पे जब आप ड्रॉप डाउन बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे एनेबल वाला मिल जाएगा जो कि सभी को एनेबल कर देता है, और HSL वाला मिलेगा जो कि ह्यू सैचुरेशन एंड ल्यूमिनोसिटी को यूज करके कलर्स को इन्वर्ट कर देता है। मतलब इस तरीके से और भी बहुत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बट आपको चूज करना है एनेबल विद सिलेक्टिव इन्वर्जन नॉन इमेज। इससे होगा ये कि आपके जो इमेजेस है उन्हें ये इन्वर्ट नहीं करेगा, बाकी के जो वेब कंटेंट्स है उन्हें इन्वर्ट कर देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कुछ वेबसाइट्स मैंने अभी ओपन किया था, इन सारे वेबसाइट्स में डार्क मोड एनेबल हो गया है, और जो बटन से अभी इमेजेस का कलर है वो भी ओरिजिनल जैसा ही है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे वेबसाइट्स पे वर्क करेगा। तो अभी हम देखते हैं एंड्रॉइड फोन वाला मेथड। तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है विंडोज मेथड के साथ ही। आपको सिंपली अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ पे क्रोम एक कलन और डबल फॉरवर्ड स्लैश देके फ्लैक्स लिखना है, देन आपको उसे ओपन करना है और फिर एड्रेस बार में डार्क सर्च करना है। देन आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट आपको होस्ट डार्क मोड फॉर वेब कंटेंट्स को चूज करना है और उसी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि एनेबल्ड विद सिलेक्टिव इन्वर्जन ऑफ नॉन इमेज एलिमेंट्स। देन यहाँ पे भी आप जो भी वेबसाइट को सर्व करेंगे वो डार्क मोड में ही सर्व होगा विदाउट इन्वर्टिंग इमेजेस। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा, एंड अगर ये वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।